हफ्ते हम मक्के की उन्नत किसानी कैसे करें। सर्वप्रथम मक्के के लिए जमीन का क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात आती है मक्के की कंपनी के बीज। तीसरा नंबर आता है हमारी मिट्टी कैसी है। हम बात करते हैं सर्वप्रथम खेत की। जैसे मान लो जमीन में हम मक्का तब बोते हैं, तो यह पायनियर की जो मक्का है यह रबी और खरीफ दोनों सीजन में लगाई जा सकती है। हम उसको पिछले 3 सालों से लगा रहे हैं, रबी एवं खरीफ दोनों सीजन में लगाते हैं। रबी में भी इसकी अच्छी पैदावार है और खरीफ के सीजन में भी बहुत बढ़िया पैदावार है। अब आती है सबसे पहले बोनी की बात की, इसकी बोनी कैसे की जाए। इसके लिए सीडल भी मार्केट में आ गई है और इसको हाथों से भी लगाया जा सकता है। हाथों से यदि लगाते हैं तो ये 6 से 7 किलो प्रति एकड़ जाता है। यदि सीडल से बोते हैं तो 7 से 8 किलो प्रति एकड़ जाता है। इसके लिए DAP से भी डालकर भी बो सकते हैं। वैसे सीडल में तो दो सिस्टम लगे हुए हैं, एक मक्के का अलग है और DAP बोनी का अलग है। यदि मान लो वो सीडल किसी के पास उपलब्ध नहीं हो रही है, हमारी लोकल जो सीडल अभी है हमारे पास वो सीडल है, तो उसको आप चला दें DAP भरकर। बस शर्त एक है कि उसमें 10 किलो पोटास और 1 बोरी DAP प्रति एकड़ सीडल से बो दें। मक्का उसमें नहीं बोना है, यदि हाथों से लगा रहे हैं तो उसमें वो जो लाइन पड़ती है, जो लाइन पड़ती है उस लाइन पे 7 इंच 8 इंच 9 इंच तक की दूरी पर एक एक मक्का को चुब्बा दें। जैसे मान लो रबी के सीजन में यदि बोते हैं तो लगाकर पानी छोड़ दें, और यदि खरीफ के सीजन में बो रहे हैं तो पानी देने की आवश्यकता वैसे नहीं होती है काली मिट्टी के लिए। इसके आगे चलते हैं हम खाद और दवाई। इसमें खरपतवार नाशक कम से कम 20 दिन के बाद, बोने के 20 से 25 दिन के अंदर खरपतवार डाल दें। खरपतवार मक्के की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आग है, जिस क्षेत्र में जो भी उपलब्ध हो जाए। इसके तो बहुत ही मार्केट में बहुत प्रकार की दवाइयाँ आ गई हैं, बहुत सी कंपनियाँ हैं मक्के की खरपतवार के लिए, मगर डालना खरपतवार बहुत ज़रूरी है। इसके आगे चलते हैं खाद। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खाद और बीज। इसके लिए खाद कैसे और कब डालना चाहिए। बोने के करीब 20 से 25 दिन जैसे तुमने नींदनाशक डाल दिया है, उसके तुरंत बाद ना, 1 हफ्ते बाद उसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी है। प्रति किलो 25 किलो यूरिया, 5 किलो जिंक और 10 किलो पोटाश प्रति एकड़ देना ज़रूरी है। किसान भाई एक विशेष बात ध्यान रखें, जिंक यदि मिलाते हैं तो दानेदार मिलाएं। अभी मार्केट में आ गया है, वैसे जिंक एक शक्कर और नमक की तरह होता है, उसको ना डालें। इसलिए ना डालें क्योंकि उसे यदि यूरिया में मिलाते हैं तो यूरिया दूसरी प्रक्रिया में चला जाता है, यूरिया बिल्कुल पानी बन जाएगा और पूरा बहने लगेगा। इसलिए दानेदार जिंक आ गया है वो ही मिलाएं। जब पहली बार हमने खाद दिया तो उसे इस प्रकार से ऐसे गोड़ों में डलवाना है, ना कि किसान भाई उसको इस प्रकार से फेंक देते हैं, वो गलत तरीका है। जैसे गेहूं में फेंकते हैं इस प्रकार से फेंकते हैं, वो गलत तरीका है, इसे गोड़ में ही देना चाहिए। एक आदमी एक एकड़ खेत में एक दिन में डाल सकता है, इतना कम समय लगता है, कोई विशेष लागत नहीं आती है, क्योंकि उतनी तो खाद बच जाती है और वो गलत तरीका है फेंक कर देना। जो हमन इसकी जमीन की मक्के की गोड़ में देते हैं ये सबसे उत्तम तरीका है और यह हमारे पूरे झाड़ को ही मिलेगा। इसके आगे चलते हैं हम सेकंड। जब सेकंड बार हम खाद देते हैं तो सेकंड बार 25 किलो यूरिया और प्लस 25 किलो DAP मिलाकर दे सकते हैं। इसमें पोटास और जिंक नहीं मिलाना है। इसके बाद जब तीसरी बार खाद देने की बारी आती है, तो जैसे मान लो खरीफ के सीजन में आप डाल रहे हों, तो उस समय खरीफ के सीजन में 3 बार खाद देना जरूरी है और रबी के सीजन में 4 बार देना जरूरी है। जैसे खरीफ के सीजन में जब आप दे रहे हैं, वो समय इस चवर की कंडीशन पे देना जरूरी है। इस समय यूरिया देना, पानी देना बहुत ही जरूरी है। जब आप रबी के सीजन हो या खरीफ का सीजन हो, इस समय चवर के कंडीशन पे यूरिया देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चवर के सब कंडीशन पे हम खाद देते हैं तो इनके जो
मक्के के जो निकल मक्के के कल्ले बनना चाहिए। मक्के जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे कि ये मक्का, ये भुट्टा है हमारा, ये भुट्टा है, ये भुट्टे में दाने और आकार सही आएगा। कब आएगा? तब हम इसे खाद देंगे तब। इसके बाद जैसे मान लो हम रबी के सीजन में 4 बार भी यूरिया दे दें तो कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि रबी के सीजन में इसकी उम्र ज़्यादा होती है, खरीफ के सीजन में इसकी उम्र कम होती है। इसके बाद रबी और खरीफ दोनों में इसकी फसल ले सकते हैं। खाद हमने बता ही दिया आपको किस प्रकार से डालना है, और मक्के में सर्वप्रथम मक्के की पैदावार लेने का उत्तम तरीके हैं, जमीन तो है ही हमारे पास, मगर खाद और बीज दोनों बहुत जरूरी होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।